धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव मसाणा पंचनद स्मारक ट्रस्ट संस्थान में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की हार से मनोबल गिरना चाहिए। दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली को उनके हक हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है, जबकि हमारे पास कोई अतिरिक्त पानी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किस कांग्रेसी का वोट कैंसिल हुआ है इसका हमें नहीं पता। बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज गांव मसाणा में पंचनद स्मारक ट्रस्ट संस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां थानेसर विधायक सुभाष सुधा व संस्थान के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संस्थान के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और संस्थान की गतिविधियों पर चर्चा भी की। इस बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री पीपली विश्राम गृह पहुंचे व धर्मनगरी के प्रबुद्ध संतजनों तथा गणमान्य लोगों के साथ उन्होंने बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संख्या बल के आधार पर भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पवार की राज्यसभा सीट पर विजय तय थी, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समर्थित कार्तिक शर्मा कांग्रेस के एक प्रत्याशी विधायक द्वारा मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वोट देने में एक वोट कैंसिल होने के गणित के चलते विजय रहे। उन्होंने कहा कि हार से कांग्रेस का मनोबल गिरना ही चाहिए। वहीं दिल्ली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मानवता के आधार पर दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी की मांग पर उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके तय कोटे के मुताबिक पूरा पानी मिल रहा है, हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है, 5-7 दिन में मानसून आते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिपली विश्राम गृह में अगले माह 8 जुलाई को रिलीज हो रही हिंदी फिल्म 48 कोस के पोस्टर और प्रोमो को भी लॉन्च किया। लोकतंत्र में गणित रहता है और उस गणित में बहुत मार्जिन के ऊपर जब सीट होती है तो उस समय कुछ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, क्योंकि उनके एक विधायक ने और जो वोट है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उन्होंने कहा, सब बढ़िया कहा, उन्होंने मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए जो भी हुए, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिक शर्मा है उनको वोट डाला, एक वोट का उनका कैंसिल हुआ। कैंसिल किसका हुआ ये हम तो नहीं बता सकते, कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उस गणित में कुल मिला करके बहुत मार्जिन से हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका तो बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण पवार का जितना सुनिश्चित थी, लेकिन मुकाबला जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट, उसमें बहुत थोड़े मार्जिन से, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनको हमने सपोर्ट किया था कार्तिक शर्मा वो जीतने हैं। मनोबल गिर गया कांग्रेस का, बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल मनोबल गिर गया इस घटना की बात, बिल्कुल हार में तो मनोबल गिरना ही चाहिए। सर, केजरीवाल ने हरियाणा से पानी मांगा है इंसानियत के नाम पे, थोड़ा पानी और दे दे हमारा गुजारा हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, जितना पानी हमारा तय है पूरा पानी देते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है, और जितना उसको बराबर दे रहे हैं, अब वो पानी अपना उपयोग जो है इधर से उधर कहीं करेंगे तो उसका तो हमारे इलाज नहीं है। जो दोनों सरोवर हैं, जो दोनों क्या है हैदरपुर और दूसरा जो बैराज है, दोनों बैराज भरने की जो बात आती है वो पूरे का पूरा भरते हैं, उस पानी को हमारा एक दिन लेकर के आएंगे तो भरेगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमारे पास पानी जो अगर स्पेयर होता है तब तो सहायता की बात है। अब गर्मियों के दिनों में तो पानी हमें भी बहुत आवश्यकता रहती है, हर एक स्थान के ऊपर पीने के पानी की कमी पहुँचाना आवश्यक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि 5-7 दिन में समस्याएँ ठीक हो जाएगी, मानसून